दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच को लेकर थर्ड एम्पायर ने किया बड़ा खुलासा। नो गेंद पर आउट हुए थे रोहित शर्मा और एम्पायर पर लगा इतने करोड़ रुपए का जुर्माना। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें इंडिया की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 245 रन स्कोरों पर लगाए 10 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा केएल राहुल ने 101 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 408 रन स्कोरों पर लगाए 10 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा डीन एल्गर ने 185 रन की तूफानी पारी खेली और वहीं मार्को जैसन ने 84 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए, लेकिन दोस्तों इस समय भारतीय टीम 52 रन के स्कोर पर मौजूद है 3 विकेट खोने के बाद। मगर दोस्तों रोहित शर्मा को कगिसो रबाडा ने क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन दोस्तों एम्पायर ने पहले तो इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला जो कगिसो रबाडा का पैर था वो लाइन से क्लियर डिक्लियर आगे निकला हुआ था। मगर दोस्तों भारतीय क्रिकेट फैंस का कहना है कि इस मुकाबले में सरासर एम्पायर बेईमानी करा रहा है, इसलिए एम्पायर पर बड़ा जुर्माना लगना चाहिए। बस गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना एम्पायर पर जुर्माना लगना चाहिए या फिर नहीं।